नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुढ़नी उपचुनाव का परिणाम आज आएगा। मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना में 6 राउंड की गिनती हो चुकी है। 4 राउंड तक भारतीय जनता पार्टी आगे थी। 5वें राउंड में जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा 600 वोट से आगे हुए और ये 6ठा राउंड का काउंटिंग अब खत्म हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 6ठे राउंड की काउंटिंग खत्म होने तक जनता दल यूनाइटेड फिर से पिछड़ चुकी है। यानी 6 राउंड में मात्र एक बार जदयू पीछे आगे निकली है। भाजपा 5 राउंड में लगातार आगे रही है। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 20,521 वोट आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 22,500 वोट आए हैं। 2,000 वोटों का अंतर है। कुढ़नी में बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केदार गुप्ता जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से आगे चल रहे हैं। 2,000 वोटों का अंतर पहली बार हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। बात की जाए तो नीरव कुमार वीआईपी प्रत्याशी को 708 वोट आए हैं। मुर्तजा अंसारी AIMIM को 736 वोट आए हैं। यानी ये दोनों नेता कहीं नहीं टिक रहे हैं। 10,000 का आंकड़ा भी अगर पार हो जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं 2,000 वोटों से जब आगे चल रहे हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रही है। 6ठे चरण का मतगणना समाप्त हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी 2,066 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 22,587 वोट, जदयू प्रत्याशी को 20,521 वोट और 6ठे चरण का मतगणना अब खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं 2,066 वोटों से। नीलाभ कुमार 708 वोट, मुर्तजा अंसारी 776 वोट और कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी है और ये चुनाव महत्वपूर्ण मुकेश सहनी के लिए है। मुकेश सहनी के लिए काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर सहनी इस चुनाव में अपना दमखम नहीं दिखा पाते हैं तो उनके लिए बिहार की सियासत काफी मुश्किल भरा होने वाला है। बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एक बार फिर से नीतीश कुमार पर एग्रेसिव होंगे और ये सारी चीजें अब साफ होती हुई नजर आ रही है। 6 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी 2,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं और किनको कितना वोट आया है। लेकिन भाजपा 2,000 वोट से आगे चल रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।